श्री गुरु अर्जुन देव जीओ महाराज रहाओ दे बचना दे अंदर फुरमा रहे ने किस तरीके नाल मेरी यह गरीब जिंदड़ी हौसला धारे किन बिद हीर धीरै निमानो ये विचारा हिरदा किस तरीके दे नाल हौसला फड़े मिल साजन हाँ तुझ कुर्बानो तेरे दर्शन तो बिना मेरा यह निमाणा दिल किवें धीरज फड़े किवें हौसला फड़े तेरे दर्शन तो बिना हौसला नहीं है। सतगुरु जी ने शब्द जो अज दे फुरमान अंदर वरते ने ओ पति ते पत्नी दे मिलाप दे अंदर आत्मा ते परमात्मा दी विचार समझा रहे ने। इस पावन शब्द दी पहली तुक है। हाँ जी। सोही महला पंजवा उम क्यों हियो मिलन प्रपताई। उम क्यों दा अर्थ है खुशी नाल मेरा मन उछल गया मेरा हिरदा प्रभु नु मिलन वास्ते खुशी नाल नच पिया। हाँ जी। खोजत चरयो देखो प्रिय जाई। खोजत चरयो लबन चढ़ पिया लबन तुर पिया प्रभु नु लबन लग गया कि मैं प्यारे दी थां किते वेखा मैं ओदे दर्शन किते करा। हाँ जी। सोनत सदेसरो प्रिय ग्रह सेज विछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर न पाई। अपने प्यारे प्रीतम दा सुनेहा सुन के मैं अपने घर विच पलंग विछाया है सुहागण नूं पता लगे पति कई अरसे बाद घर आ रहा है ते ओदी आउण दे खुशी दे विच चंगा पलंग भी लाएगी भी इत्थे मेरा खसम बैठेगा अते चंगे भोजन भी तैयार करेगी कि वह छकेगा ते खुश होएगा ते हुण जिहड़ा गुरमुख दा जीवन है ये अपनी आत्मा नूं हमेशा परमात्मा दी घरवाली समझदा है उहदी सुहागण समझदा है ते परमात्मा दे घर दा सुनेहा जदों पता लग्गिया रब जी हिरदे विच आके टिकदा है ते नाम जपन वालियां सुहागणां ने अपने हिरदे दे अंदर ही परमात्मा दे बैठण वास्ते पलंग ला लिया सेज ला लिया अपने प्रीतम दा सुनेहा सुनिया घर दे हिरदे दे अंदर एक स्थान रख लिया जिहदे विच होर कोई नहीं है। एक गौर करनी पएगी पति एक ही है ते एक ही पार पाएगा हुण नाम जपन वाला जिहड़ा गुरमुख है उहदी टेक भी एक ते होनी चाहीदी है आस भी एक ते ही होनी चाहीदी है भ्रम भ्रम आयो तो नजर न पाई पर की गल होई कित्थों कित्थों भटक भटक के मुड़ के आ गए प्रभु दी मैं दी निगाह हदे हासिल नहीं हुई क्यों। हाँ जी। किन बिद हीरो तीरे निमाणो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ। एक पासे आसन ला के रखिया सुहागण डीकदी रही पति आया नहीं आत्मा नूं तांग रही परमात्मा दी पर परमात्मा कहिंदे सेज ते आया ही नहीं हुण किन बिद हीरो धीरै निमानोण किस तरीके दे नाल हौसला फड़े मन तैयारी इन्नी कीती साईं आया कोई नहीं मिल साजन हां तुद कुर्बानो हे मेरे सज्जणा मैं तेरे ते कुर्बान जावां मैं तेरे ते वारने जावां मैनूं दर्शन तां दे। एका सेज विछी धन कंता धन सुती
ਫਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ। ਅਸਲ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਇਸਤਰੀ। ਹੇ ਸਖੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਕਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ। ਪੀਓ ਮਦਰਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਦਰੋ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਉਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਇਉਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਪਿਰ ਬੋਲੰਤਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਆਪ ਜਗਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਈ ਦਏਗਾ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤੀ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵਤ ਇਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਮਦਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਸਤ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਬਾਂਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ, ਹੁਣ ਆਸ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿੰਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਲਿਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
मैनू तो शांति नहीं आती तो हूँ लभदा हूँ है नहीं। हाँ जी होए कृपाल प्रभ मिलहि सभागे, होए कृपाल। हाँ एक हो सकता है जे प्रभु कृपाल हो जाए तो भागा वाली है तेनों मिल सकता है। हाँ जी भयो कृपाल सत संग मिलाया, बूझी तपत करह फिर पाया। परमात्मा गुरु कृपालू होवे मिल सकता है। हुण देशां देशांतरां विच तां है कोई नहीं, जर्रे जर्रे दे अंदर मौजूद है, पर जेड़ा तू पालना चाहनी है वह सतसंगत तो बिना किते भी नहीं मिलना। प्रभु मेरे उत्ते दयालवान हो गया, मैनू उसने सतसंगत विच मिला दिता। इहदा भाव यह आत्मा कल्प रही सी हुण तक टिकाणा नहीं मिलिया, किसे ने थां नाल जोड़िया, किसे ने अपने नाल नाल जोड़िया, किसे ने देह नाल जोड़िया, किसे ने किसे मकबरे नाल जोड़िया, पर इत्थे गुरु साहब कह रहे भयो कृपाल सतसंग मिलाया, रहमत होई सतसंगत दे विच प्रभु दा टिकाणा मिलिया। बुझी तपत करहे पिर पाया, हुण हिरदा सड़ रहा सी, मेहनत बड़ी होगी, दौड़ भज बड़ी होगी, आत्मा सड़न लग पई कि निराशी बंदे दी सड़दी आत्मा। हुण जदों निराशता दूर होई, पता लग गया हिरदे नूं संगत तो बिना बाबे दा घर होर केड़ा है, कि तपत बुझी करहे पिर पाया, अपने घर दे अंदर ही अपने हिरदे दे अंदर ही परमात्मा मिल गया। पर यह समझ उदों पैंदी है जदों सतसंग मिलाया, संगत विच बंदा एक रस हो के बैठदा है। हाँ जी सगल सिगार हुण मुझै सुहाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। जिन्ना समा आस सी ओना समा सुहाणी शिंगार करदी है, सुहागण शिंगार करदी है। आस मुक जाए भी इन्ना समा डीकदिया ने हो गया, फिर वह कोई शिंगार ही नहीं करती, क्योंकि शिंगार करती सुहागवंती जिहदे सिर ते पति होवे। हुण शिंगार उन्ना चिर ही पाउंदा है जिन्ना चिर आस होवे, पता लग गया भी हुण नहीं आएगा, वह सारा शिंगार उतार दिंदी, हुण नहीं आउंदा। ते जदों पता लग गया भी संगत विच मिलदा है, सगल शिंगार हुण मुझे सुहाया, पत्नी नूं जेकर पता लग जाए भी आ गया, ते जिहड़े शिंगार उहनूं भैड़े लगदे सी सारे शिंगार ही चंगन लगे लगन लग पैंदे ने। हुण मैनूं अपने सारे शिंगार जिहड़े ने उह सोहणे लगन लग पए, क्यों? कहो नानक गुर भरम चुकाया, मेरे गुरु ने एक भरम चुका दिता। आत्मा तू जिहनूं लभदी फिरदी उह खसम तेरे अंदर ही है, गुआचिया असल विच उह नहीं, गुआची माया दे मोह विच तू आत्मा फिरदी है, परमात्मा हाजिर है। हाँ जी जह देखा तह पिर है भाई, खोल्यो कपाट ता मन ठहराई। कहिंदे जिस दिन उहने कपाट खोल दिते, कपाट दा वैसे अर्थ देखिए ते कवाड़ बनदा है, कवाड़ भी बनदा है ते इहदा अर्थ भीत भी बनदी है, कंध भी बनदी। हुण जदों गुरु ने भरम तोड़ दिता, उदों जिधर देखदे आ ते खसम ही नज़र आउंदा है, पति नज़र आउंदा है। हुण मैं जिधर वेखदा मैनूं प्रभु दिसदा है, ते पहलां क्यों नहीं दिसदा सी? ते पहलां केवाड़ बंद सी, केवाड़ जिन्ना चिर खुलेगा नहीं। चलो अर्थ कर दीए, सो दर तेरा केहा, सो घर केहा। परमात्मा घर है ते गुरु दर है, दर तो बिना घर विच प्रवेश नहीं किया जा सकता, गुरु तो बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। ते बाणी ने तो फैसला किया गुर परमेशर एको जान। हुण जे कही असीं दर नूं तां मनदे नहीं, घर नूं मनदे आ, घर नूं जिन्ना मर्जी मनी, चलो चारे मेरे चनाई एको वर्गी करके छत पा दो, दर ही ना होएगा, प्रवेश किया ही नहीं जाएगा। जिन्ना मर्जी कुछ कर लो, दर गुरु ही ना होएगा, उच प्रवेश नहीं हो सकता। जय देखा ते फिर है भाई, हुण जिधर देखदे आ उधर ओही दिसदा है, क्यों? क्योंकि हुण केवाड़ खुल चुका है, दरवाजा घर दा खुल चुका है,
गुरु ने मेरे अंदरों भरम का परदा ही ला दिता। सब तो वड्डा परदा है भरम का, यह ला दिता। मेरा मन हुण टिक गए। यह अज का पावन पवित्र फुरमान है।